Like, share, subscribe and click bell icon button for more tutorials. Hello friends, welcome to Designer Junction. आज का क्लास है कलर लुकअप. यहाँ पे आप चाहोगे ये लास्ट का ऑप्शन है. यहाँ पे अभी लास्ट तो नहीं है, अभी काफ़ी कुछ है लेकिन ये उतने खास यूज नहीं है. एक दो दिन में ये सब क्लियर हो जाएंगे. यहाँ पे आज हम समझेंगे कलर लुकअप. कलर लुकअप से पहले ये सारे जो भी क्लासेज आप देख रहे हो ये सारे हमने अब क्लियर कर चुके हैं. चाहे वो कलर चैनल हो, फोटो फिल्टर हो, ह्यू सैचुरेशन हो, लेवल हो, कर्व हो, ये सारे क्लास क्लियर हो चुके हैं. यहाँ आई आइकन पे आप चाहोगे तो वहाँ से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे. आप इसके प्लेलिस्ट पे जाके फोटोशॉप के बाकी के क्लासेस देख सकते हो. आज हम कलर लुकअप ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारा कुछ आज की क्लास में हम समझेंगे. कैसे इसके प्रीसेट बनते हैं, कहाँ कहाँ यूजेज होते हैं उन प्रीसेट्स के, तो ये सारा कुछ आज हम समझेंगे. इसके सारे बेनिफिट्स को आज क्लियर करेंगे. एंड इसे पहले क्लियर करने से पहले, इसे हम समझने से पहले एक चीज़ पहले आपको बता दें इस क्लास को चालू करने से पहले, कि यहाँ पे आपको देख रहे हो बैकग्राउंड. ये बैकग्राउंड हमेशा किसी भी पिक पे अगर काम कर रहे हो, किसी भी इमेज पे आप काम कर रहे हो, तो ये बैकग्राउंड हमेशा लिखा होना चाहिए. यहाँ ये लॉक होना चाहिए. अगर लेयर जीरो ऐसा कुछ लॉक नहीं है, लेयर पे जाओगे, न्यू पे जाओगे एंड यहाँ पे बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर ये जरूर करोगे और ये हमेशा बैकग्राउंड और ये इमेज ऐसा रखोगे ताकि इसके ऊपर में इसके बाद कोई प्रॉब्लम ना आए. तो ये बैकग्राउंड करके एंड देन उस लेयर पे आप काम करोगे यहाँ पे एंड ऐसा कुछ आप कलर लुकअप लोगे. तो आज हम चलिए कलर लुकअप इसको समझते हैं कि कैसे काम करता है ये, क्या यूजेज होता है इसका. कलर लुकअप यहाँ पे आपको लोड, यहाँ पे आपको लट फाइल, इसके प्रीसेट्स ऑलरेडी बने बनाए मिलते हैं. इसमें आपको इस तरह से लाइटिंग के इफ़ेक्ट्स, अलग अलग ये इफ़ेक्ट्स होते हैं. यहाँ पे आप ऐसे कर्सर रखोगे एंड आप अपने उससे देख सकते हो. ऐसा ऐसा अलग अलग आपको ये सारे इफ़ेक्ट्स मिलते हैं. तो यहाँ से आप बाकी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, या ये है ऐसा कुछ, ये अलग अलग आपको प्रीसेट ये इसमें कलर लुकअप में बने बनाए मिलते हैं. तो अगर आपको कभी मर्जी है तो ये सारे में से कोई भी ये यूज कर सकते हो. जैसे अभी मैं, मुझे दिल कर रहा है कि ये यूज कर लूँ, तो ऐसा कुछ ये यूज कर सकते हो. यहाँ से ऐसा कुछ ओपेसिटी वगैरह कम कर सकते हो. तो इस तरह से आप इन चीज़ों को यूज कर सकते हो. तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको ये सारे बने बनाए मिलते हैं, इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो. तो फिलहाल अभी मैं इसे हटा देते हैं, अभी फ़िलहाल में हम इसे हटाते हैं. एंड हटाने के बाद एक चीज़ मैं से बताऊं कि इसका यूज क्या है, इसके और भी क्या क्या यूजेज है. जो मेनली यूज है वो इसका कलर लुकअप का है कि आप ये, एक तो ये प्रीसेट बने बनाए मिलते हैं और एक है कि आप जब भी बहुत सारे काम करते हो, बहुत सारी चीज़ें जब एडिट करते हो किसी फाइल पे और वो आपको अच्छा लगता है इफेक्ट, तो उसके प्रीसेट बनाकर आप रख सकते हो, सेव कर सकते हो एंड यहाँ से आप लोड कर सकते हो हमेशा के लिए इसमें. और वो कभी भी किसी भी फोटोग्राफ्स पे, अगर आप पोर्ट्रेट के लिए बनाया हो तो पोर्ट्रेट पे, किसी लैंडस्केप के लिए बनाया हो तो लैंडस्केप पे आप यूज कर सकते हो. फिलहाल अभी हम इसे हटाते हैं ऐसा कुछ एंड अपना खुद का एक बनाते हैं कुछ भी. तो अभी जैसे ये आप देख सकते हो, ऐसा कुछ मैंने एक फोटोग्राफ लिया है. इस पर मुझे कुछ अलग इफेक्ट देना है, कुछ अलग बनाना है इसे. तो जैसे यहाँ पे अलग अलग मैंने बहुत सारे कर्व, लेबल, कलर बैलेंस, ये सारे मैंने अब बहुत सारे इफेक्ट आपको बताए भी हैं. अभी फिलहाल जैसे मैं कलर लूँ और ये मैंने इसके थ्रू एडिट करने का बता भी रखा है आपको कैसे क्या करोगे. तो अभी मुझे ब्राइट उस पर काम करना है. मुझे यहाँ से इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा करना है. तो मैं ऐसा कुछ यहाँ ब्राइटनेस दे सकता हूँ. आप देख रहे हो यहाँ कैसे ब्राइटनेस जा रहा है. मुझे डार्क टोन पे काम करना है तो मैं ऐसा कुछ इसके डार्क टोन पे, मैं हेयर इतना डार्क, ज़्यादा से ज़्यादा डार्क टोन पे मैं अभी काम करना चाहता हूँ ऐसा कुछ. आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे राउंड कलर का जो वो डॉट आ रहा है कि आप किस जगह पे कितना डार्क टोन ले रहे हो. तो ऐसा कुछ आपको चाहिए तो इतना लेना है ले लो, कम चाहिए तो यहाँ से आप ऐसा कुछ, कम चाहिए तो कम कर सकते हो, यहाँ से चाहिए तो यहाँ से आप लेके इस तरह से आप टोन को अपने जिस तरह का आपको टोन चाहिए आप बना सकते हो. तो ऐसा कुछ मैंने डार्कनेस लिया, ऐसा कुछ मैंने ब्राइटनेस. आपको और ज़्यादा ब्राइटनेस कम करना है कम करो, ज़्यादा करना है ज़्यादा करो. तो ये चीज़ें, इस तरह का कंट्रोल है आपके पास. जैसे अभी फ़िलहाल मैंने यही चेंजेज किया. ये चेंज करने के बाद फिर से मैं चाहूँ तो एक और कर्व लूँ, एक और कर्व लेकर मैं मिडल उसमें कुछ मुझे चेंजेस करने हैं. जैसे डार्क किया था अभी मैं, अभी मुझे लाइट करना हो. मुझे लग रहा है यार थोड़ा सा इसको मैं ऐसा कुछ डार्क कर दूं. डार्क करने के बाद अभी मैं मिड टोन पे थोड़ा सा डार्क किया
फिर मुझे चाहिए कि यार मैं थोड़ा रेडिश टिंट वगैरह पे खेलूँ, थोड़ा सा मैं रेडिश टिंट ऐसा कुछ ज़्यादा किया, या आप खुद से यहाँ से भी ले सकते हो कि ब्राइटनेस रेडिश टिंट का ब्राइट या ऐसा कुछ डार्क चाहिए आपको, तो ये चीज़ें यहाँ से भी कर सकते हो, या यहाँ से भी आप रेडिश टिंट देना है थोड़ा रेडिश टिंट दे लो, ब्लू पे काम करना है किस तरह का चाहिए आपको, ब्लू अपोजिट ग्रीन जा रहा है ऐसा कुछ थोड़ा ऐसा ब्लूइश देना है, ग्रीन पे काम करना है थोड़ा सा ऐसा कुछ, ऐसा कुछ आपको रखना है इफेक्ट, तो वो आपको डिपेंड करता है आपको किस तरह का काम करना है। ब्लूइश में यहाँ से भी अगर आपको कुछ लगता है कि यार कुछ अलग तरह का मैं इस तरह से ब्लूइश देना है, तो आप ऐसा कुछ ब्लूइश में इफेक्ट कर सकते हो। ग्रीन पे भी आपको और कोई कुछ टिंट यहाँ से इस टिंट के अकॉर्डिंग खेलना है ऐसा कुछ तो आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ से ग्रीनिश है, यहाँ से रेड टिंट है, वो अभी मैं फिलहाल मिडिल उस पर रेड दे रखा हूँ। अब अगर मुझे लग रहा है कि रेडिश को और ज़्यादा थोड़ा अलग लुक देना है जो कि मुझे अभी बुरा लग रहा था, तो मैं इतना भी रखता हूँ। अभी और ज़्यादा अगर आपको कोई इफेक्ट यूज करना है, जैसे मैं अभी लेवल पे जाऊँ, लेवल पे जाने के बाद मुझे थोड़ा सा इसको ऐसा कुछ लेवल के साथ, तो मैं ये सारे टोन वगैरह सब कुछ यूज कर सकता हूँ। मुझे अभी थोड़ा सा ब्राइटनेस चाहिए ऐसा कुछ, तो मैं ऐसा थोड़ा सा लेवल भी यूज किया मैं इसमें। उसके बाद मुझे अभी चाहिए कि चलो मैं फ़ोटो फिल्टर यूज करता हूँ, तो मुझे फ़ोटो फिल्टर में मुझे अलग अलग फ़ोटो फिल्टर होते हैं, मुझे कोई भी फ़ोटो फिल्टर अगर यूज करना है तो ऐसा कुछ मैं करके देखूँगा। ये ब्लू कलर है, कूल इफेक्ट देना है आपको, वॉर्म देना है, रेड टिंट देना है ऐसा कुछ, तो ये अलग अलग आपके बने बनाए इफेक्ट्स मिलते हैं। कूलिंग फिल्टर है, ये कूलिंग फिल्टर, ये सारे ये वॉर्म फिल्टर है, तो अभी मुझे ये कूलिंग फिल्टर अच्छा लग रहा है ऐसा कुछ, तो मैं ऐसा कुछ इसमें कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे वो कूलिंग फिल्टर आप यूज कर सकते हो, या इंटेंसिटी ज़्यादा करना है या कम रखना है तो आप इस तरह से कूलिंग फिल्टर देना है कूलिंग फिल्टर दे दो। तो इस तरह से आप जितने चाहो यहाँ से इफेक्ट आप यूज कर सकते हो। अभी मुझे कलर बैलेंस पे जाना है, तो मैं थोड़ा बहुत कलर बैलेंस पे अभी मैं रेड दे रहा था, मुझे इतना ज़्यादा रेड चाहिए, बिल्कुल ग्रीन की तरफ जाता हूँ कुछ ऐसा, एंड देन मैं कुछ ऐसा। तो इसमें आपके पास पूरा फ्री हैंड मिलता है, आपको जितना ज़्यादा यहाँ पे किसी भी टूल को यूज करो और अपने जो भी आपको मन चाहा इफेक्ट चाहिए वो इफेक्ट आप लाने की कोशिश करो। एंड देन अभी मैं ऐसा कुछ मुझे अच्छा लग रहा है, एंड और भी आपको चाहिए और भी कर सकते हो, कोई फ्री हैंड है, आपको बस क्वालिटी आपको देखना है कि आप जो भी चाहते हो। चैनल मिक्सर है, मुझे चैनल मिक्सर चाहिए तो मैं चैनल मिक्सर पे काम कर सकता हूँ, मुझे चैनल मिक्सर भी यूज करना है, मैंने आपको लास्ट क्लास दिया भी था चैनल मिक्सर पे, सारे आप आई आइकन से जाकर देख सकते हो सारी क्लासेस, या डिज़ाइनर जंक्शन के चैनल पे भी आप जा कर के देख सकते हो। तो फिलहाल मुझे ऐसा कुछ अच्छा लग रहा है ये इफ़ेक्ट, इसमें भी आपको अलग अलग ग्रीन टोन है, अलग अलग टोन मिलता है जिस पे आपको जिस टोन पे काम करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ग्रीन है, ब्लू है, सारे टोन पे आप अलग अलग देख सकते हो करके कि कौन सा बेटर लग रहा है, कौन सा इफेक्ट। अभी देखो ये वॉर्म टाइप का इफेक्ट जा रहा था, तो ये सारे फिल्टर्स हैं। फिर से मुझे अभी है कि कर्व यूज करना है या अभी कर्व नहीं, मुझे फिर से एक ये कर्व यूज करना है, मान लो फिर से कर्व ही यूज करना है, तो मैं फिर से कर्व ले सकता हूँ। मुझे फिर से RGB पे खेलना है, जैसे मैं ब्लू कलर पे जाना चाहता हूँ तो थोड़ा सा मैं ब्लू और ज़्यादा, या इसको थोड़ा कम करना चाह रहा हूँ तो मुझे, या ब्लू के डार्क पे खेलना है, लाइट खेलना है। यहाँ से आपको मैंने बता रखा है कि आप लाइट टिंट पे जा सकते हो, डार्क टिंट पे आपको जाना है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से मैनुअली कर सकते हो ऐसा कुछ। यार मुझे ये इफ़ेक्ट अच्छा लग रहा है,
मान लो ये ऐसा कुछ अच्छा लग रहा है ब्लू में, इसी तरह आपको रेड चाहिए ऐसा कुछ, ऐसा कुछ मुझे भी रेड चाहिए। यहाँ ग्रीन है, ऐसा कुछ ब्लू है। तो ये इन चीज़ों को आप यूज करके अलग अलग इफेक्ट्स बना सकते हो। मुझे अभी इसको लग रहा है कि ये फेड हो रहा है, मुझे फेड नहीं करना है, तो मैं ऐसा कुछ चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, आपको ग्रीन पे चाहिए, ग्रीन पे थोड़ा सा इसे, तो ये सारी ये इफेक्ट्स आपको अगर अच्छे लग रहे हैं, आप अगर देख सकते हो ऐसा कुछ, पहले आपका ये नॉर्मल ऐसा कुछ इफेक्ट था जो कि आपको ब्लू ऐसा कुछ इफेक्ट आ रहा था, अभी आप ऐसा कुछ इफेक्ट देख रहे हो। इसमें भी आपके पास फ्री हैंड है, कुछ भी आप चेंजेज कर सकते हो, कुछ भी हैंड चेंजेज कर सकते हो। अभी रेड है और रेड को थोड़ा सा कम करना है, कम कर दो। ऐसा कुछ ब्लू देना है, थोड़ा थोड़ा कम रखना है रेड, तो ऐसा कुछ थोड़ा कम रखो। तो इस तरह से आप अपने मन चाहे इफेक्ट्स बना सकते हो, आप जो भी चाहे अपने मन चाहे ऐसा कुछ इफेक्ट्स बना सकते हो। इफेक्ट्स बनाने के बाद ऐसा कुछ आप देखोगे, ये आपका पहले का था ऐसा कुछ, एंड अब आपने ऐसा कुछ बनाया है इफेक्ट। आपको इफेक्ट बनाने के बाद, जैसे ही आप ऐसा कुछ इफेक्ट बना लेते हो, इफेक्ट बनाने के बाद आपने देखो आप इतना सारे चीज़ें यूज कर रखे हो टूल, अब इसके बाद आपको इसे एक बना के रखना है। मान लो आपको कि फ्यूचर के लिए कि कभी भी मुझे ये इफेक्ट आपको सेव करके रखना है, लोड करके रखना है, तो इसको कैसे हम बना के रखेंगे। यहाँ से आप फाइल में जाओगे, एक्सपोर्ट में जाओगे, और एक्सपोर्ट में जाने के बाद आपको कलर लुकअप, यहाँ पे ये कलर एक्सपोर्ट कलर लुकअप ये ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप ये इसके मीडियम रखना है, हाई रखना है, जो भी आप रखना है रख सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल मीडियम रख रहा हूँ, आपको जैसा ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसे रख सकते हो। ये इसके अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, जैसे 3DL, क्यूब। ये क्यूब फोटोशॉप के लिए है, ये अभी आपको मैं फोटोशॉप में यूज करने के लिए आप क्यूब में एक्सपोर्ट ये बनाकर रखोगे लुकअप। लेकिन अगर आपको 3D अलग इस ये इफेक्ट, जैसे इस तरह के कोई भी इफेक्ट आप बनाते हो, तो उसे प्रीमियर में भी यूज कर सकते हो। प्रीमियर में वीडियो के में अगर इस तरह का कुछ कलर करेक्शन या कुछ भी आप बनाकर रख लेते हो फाइल, तो उसको आप प्रीमियर में अगर इम्पोर्ट कर लेते हो, तो उस तरह का ही कलर का इफेक्ट आपको प्रीमियर के पूरे वीडियो में दे रहा होता है। तो ये आप यहाँ से, तो इस उसके लिए और भी जगहों पे आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए अगर वैसा करना हो तो आप सबको ऑन करके रखो, सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, क्यूब हो गया, 3DL, ये सारे अलग अलग सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं चलो सारे फॉर्मेट कर देता हूँ ऑन, एंड यहाँ पे आप कॉपीराइट यहाँ पे ऐसा ही रहने दो, ओके करोगे यूज इससे, अगर आप यहाँ से ऐसे ओके करोगे, ये आपसे फाइल का नेम पूछेगा। तो आप यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं चलो डाउनलोड में ही यहाँ यही अभी फाइल नेम फ़िलहाल ऐसा कुछ रहने देता हूँ, इस फाइल नेम को ही रहने देता हूँ, एंड इसके बाद आप यहाँ पे ऑल फाइल्स करके इसे सेव कर दो। यहाँ पे आप ऐसा कुछ इसे सेव कर दोगे। सेव करने के बाद अभी मैं चलो इसे इन चीज़ों को इसको मैं एक बार फाइल को सेव कर लूँ। मैं इस फाइल को यहाँ पे ऐसा कुछ आप सेव करने के बाद इन चीज़ों को यहाँ कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करके ऐसा कुछ या कंट्रोल जी कर दोगे, तो ये आपका ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप आपने बना लिया, ऐसा कुछ आप इफेक्ट देख सकते हो कि कैसा आपका था और अभी आपने क्या इफेक्ट बनाया है। देन आप ऐसा कुछ करने के बाद इसको बंद करो, यहाँ पे जाओगे कलर लुकअप पे, आप यहाँ पे ऐसा कुछ क्लिक करोगे, एंड मैं अपने डाउनलोड वाले में जाता हूँ यहाँ पे, तो ये आपको क्यूब फाइल बना हुआ मिल रहा है। ये अभी फोटोशॉप में सिर्फ क्यूब फॉर्मेट सपोर्ट करता है, अगर आप सारे फॉर्मेट में सेव कर ले तो वो प्रीमियर के लिए सारे सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग आपको प्रीमियर में, अगर आप जैसे मैं ये इफेक्ट है अभी मैं इस इफेक्ट को चलो लोड कर लेता हूँ, लोड कर लिया, तो जैसे ही मैं लोड किया ये तो मैंने ग्रुप को तो अभी बंद कर रखा है,
इसको मैं जैसे ही लुकअप ये फॉर्मेट लोड कर लिया तो आपको ऐसा कुछ ये इफेक्ट दे रहा है। अभी ये इमेज पे आपको ये इफेक्ट दिख रहा है, इसको आप प्रीमियर में किसी वीडियो पे इफेक्ट अगर ये इफेक्ट को डाल देते हो तो पूरे वीडियो में, चाहे कितना भी टाइमिंग हो, पूरे वीडियो में आपको ये इफेक्ट दिखेगा। तो इस तरह से आप इफेक्ट बना के कभी भी फोटोशॉप में बना के आप कहीं भी इस इफेक्ट को यूज कर सकते हो, इस तरह के इफेक्ट्स को। आप अभी मैं यहाँ पे आप देख सकते हो ये बोवन एंड ग्री लॉन्ग सेव्ड शर्ट ऐसा करके ये क्यूब फॉर्मेट में यहाँ पे मैंने लोड कर दिया है। अभी इसको आप चाहते हो कि फ्यूचर में ये परमानेंट ऐसा कुछ हो कि आपको कभी भी फ्यूचर में, अभी आपको किसी और इमेज पे, अभी मैं एक और इमेज रखा हूँ यहाँ पे, अभी इस इमेज पे भी मुझे लोड करना है मान लो, तो मैं यहाँ पे कलर लुकअप पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मुझे वो अब यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो मुझे वो लोड बार बार करना पड़ेगा। मैं डाउनलोड में जाऊँगा, फिर से लोड करूँगा, तो ये इफेक्ट मुझे यहाँ पे मिल गया बना बनाया। ये इफेक्ट आपको हमेशा लोड करना पड़ेगा इस चीज़ से बचने के लिए कि आपको परमानेंट फोटोशॉप में ये चीज़ रहे, आपके फोटोशॉप में ये परमानेंट सेव हो जाए। अगर ऐसा चाहते हो तो आपको आपको ऐसा कुछ सी में आप जाओगे, सी में जाने के बाद आपको पहले तो आप डाउनलोड से ये इसे पहले तो इस क्यूब जो आप क्यूब फॉर्मेट देख रहे हो, इस क्यूब फॉर्मेट को कंट्रोल सी कर लोगे, यहाँ पे डाउनलोड में जाके कंट्रोल सी कर लोगे क्यूब फॉर्मेट को, एंड देन आप पीसी में जाओगे, सी में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल में एडोब में जाओगे, एडोब 19 में जाओगे, यहाँ पे आपको 19 में जाने के बाद प्रीसेट में जाओगे एंड प्रीसेट में जाने के बाद थ्री लट्स ये इस पे जाओगे एंड इसके अंदर आप इसे यहाँ पे आपको प्रीसेट में 3D लट्स के अंदर आप यहाँ पे कंट्रोल वी करोगे, ये आपको परमिशन मांग रहा होगा एक्सेस डिनाइड का, आप यहाँ कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आपका ये पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद आप बाहर आ जाओगे, बाहर आने के बाद यहाँ से आप इस फोटोशॉप को बंद कर दोगे। जब आप इसे बंद कर दोगे ऐसा कुछ आप बंद कर दोगे देन मैं फोटोशॉप को फिलहाल बंद कर दे रहा हूँ। यहाँ से फोटोशॉप को बंद करने के बाद जब आप दोबारा ऐसा कुछ फोटोशॉप ओपन करोगे तो आपको वो जो भी प्रीसेट मैं अभी बना के सेव कर लिया हूँ और सी ड्राइव में डाल दिया हूँ वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फाइल ओपन होने के बाद मान लो मैं ये फिर से इमेज ये वाला ओपन कर लिया, ये फाइल में ओपन कर लिया, अब यहाँ पे आप जाओगे कलर लुकअप। अब इस कलर लुकअप में जो मैंने वो प्रीसेट सेव कर लिया था वो यहाँ नीचे आपको लास्ट में मिल जाएगा, वोमेन इन ग्रे, ये आपको इफेक्ट मिल जाएगा। फिर से इस पे आप देख रहे हो ये ब्लूइश टाइप का जो मैं इफेक्ट बनाया था, ब्लूइश कलर टाइप का, कूल टाइप का, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसको आप ऐसा कुछ आपको ये इफेक्ट मिल रहा है। मैंने दूसरा फिर से ये वाला इमेज भी ले आया, यहाँ पे भी आप जाओगे फिर से किसी भी पोर्ट्रेट पे, आपको किसी भी पोर्ट्रेट पे फ्यूचर में ये इफेक्ट, सेम इफेक्ट आपको किसी पोर्ट्रेट पे या किसी मॉडल पे ऐसा कुछ अप्लाई करना है कहीं भी, तो आपने ये बना के रख लिया है ऐसा कुछ और ये आपको शेप हो गया है, ये ऐसा कुछ आप यहाँ पे इफेक्ट्स ऐसा कुछ अप्लाई कर दोगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, उतने सारे काम नहीं करने हैं, बस एक प्रीसेट से आपका ये एक कलर लुकअप, एक प्रीसेट आपका ये काम कर दिया। ऑन ऑफ करोगे यहाँ से ऐसा कुछ एंड इसे अप्लाई कर दोगे। कभी आपको ओपेसिटी बहुत इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है तो हल्का ओपेसिटी आप कम भी कर दोगे, इस तरह से भी आप अपना इफेक्ट इसमें यूज कर सकते हो। अब देखो पहले ऐसा है, अब मैंने ऐसा कुछ बना दिया। तो इस तरह से आप अपने इफेक्ट्स बना करके सेव करोगे एंड सारे प्रीसेट आप सेव करके यूज कर सकते हो, चाहे उस प्रीसेट को आपको फोटोशॉप में यूज करना है, प्रीमियर में यूज करना है या किसी भी अदर सॉफ्टवेयर में यूज करना है, तो इस तरह से इफेक्ट्स बना करके, प्रीसेट बना करके आप उसे यूज कर सकते हो। अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा और यहाँ आई आइकन से पहले के सारी की क्लासेस जाकर आप देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ ये रेड कलर का बटन है, यहाँ से आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, सारी क्लासेस आपको मिलते रहें। थैंक यू।